दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक स्पेशल पर्सन का इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। बहुत उम्दा इंसान है और हमेशा लोग बोलते हैं कि हम छोटे से गांव में हैं, हम कैसे MDRT कर सकते हैं। और ये हमारे जो आज मैं जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ एकदम छोटे से गांव से हैं, और वो भी ऐसे इलाके से हैं कि जहां जनरली गवर्नमेंट उनको ड्रॉट मतलब अकाल एरिया डिक्लेयर करते हैं, वैसे एरिया से हैं। पानी का वहां बहुत, बारिश का बहुत तकलीफ रहता है। आप सोचिए वहां से हमारे भाई साहब 16 साल से MDRT कर रहे हैं और 4 बार डबल MDRT कर चुके, कॉरपोरेट क्लब मेंबर है और लास्ट ईयर उन्होंने COT किया था। ये साल का ऑलरेडी उनका डबल MDRT हो चुका है और उनका जो टारगेट है वो इस साल का डबल COT मतलब खुद की एजेंसी में और उनके वाइफ की एजेंसी में दोनों में COT करना है। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ हमारे प्यारे प्यारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट नितिन तापड़िया जी को। सो नितिन भाई सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नितिन भाई, हमारे दर्शकों को हम कुछ अलग अलग चीजें बताएंगे और उसमें पहले ही बताएंगे आप LIC एजेंट बनने के पहले क्या करते थे और कैसे बने। सर मैंने मार्च 98 में एजेंसी लिया, उसके पहले मैं टेंथ होने के बाद में मैंने डेली कलेक्शन का काम चालू किया था और उसके बाद में मेरा एक कपड़े का रेडीमेड का शॉप भी था, मम्मी देखती थी और उसको मैं भी हैंडल करता था तब मैं छोटा था। तो 5 साल तक हमने कपड़े का शॉप देखा लेकिन उसके बाद में उसको बंद कर दिया, वो कुछ कारण से नहीं जमा। तो उसके बाद में मैंने एक एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप, वो आज भी चालू है मेरी, लेकिन वो हमारे जो छोटे भाई साहब है वो देखते हैं और मैं जो है वो कंटिन्यू मार्च 98 में LIC में ज्वाइन हो गया। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री गावली साहब है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये बिजनेस सिखाया, डेवलप किया और हमेशा वो पॉजिटिव है। वो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, हमारे पूरे ब्रांच के डेवलपमेंट ऑफिसर। जी हां जी हां जी, कुछ कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो अपना एजेंट है, किसका एजेंट है वो नहीं देखते, सबको मदद करता है। गावली साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, उन्हीं की वजह से आज मैं इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा हूं और आगे भी जो अचीवमेंट होंगे उसमें उनका बहुत बड़ा शेयर रहेगा मेरे इसमें। अजय नितिन भाई, गवली साहब आपको आपको अप्रोच किया था कि आपने गवली साहब को अप्रोच किया था और कितने टाइम के बाद आपने एजेंसी लिया? सर मेरे को गवली साहब ने अप्रोच किया था, लगभग 3 साल से सर मेरा फॉलोअप ले रहे थे और 3 साल के फॉलोअप के बाद मैंने खुद की एजेंसी नहीं लिया। मेरा एक दोस्त LIC एजेंट, उसने मुझे कहा कि तू डेली कलेक्शन के साथ में काम अच्छे से कर सकता है तो तू क्यों गावली साहब को डाल रहा है। तो उसने जबरदस्ती बैठा के मेरे को LIC में लाया, उसी ने पैसा भरा है मेरे लाइसेंस का और मेरे को एजेंसी दिलाया। वाह वाह वाह, कौन है दोस्त, ना क्या नाम है? मेरा दोस्त है अजय खेड़ेकर करके, जिस जो पहले LIC एजेंट था, अभी वो LIC एजेंट नहीं है उसका और बाकी दूसरे बिजनेस है, फर्टिलाइजर का वगैरह अच्छा शॉप है उसका, लेकिन पहले वो LIC एजेंट था मेरे साथ में कॉलेज में जब पढ़ता था। देखिए दोस्तों नितिन भाई की बातों से आप देखिए, अच्छे काम करने के लिए हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को एक एजेंट बनाने के लिए 3-3 साल फॉलोअप करना पड़ता, फिर भी एजेंट मानता नहीं, फिर कोई दोस्त वोस्त बताता है। हमारी सबकी हालत ऐसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, देखो अच्छी चीज हमेशा लोग जल्दी ले लेते, ऐसा नहीं है। LIC पॉलिसी का भी ऐसे ही होता है, हम जब बेचने को जाते हैं तो लोग टालते रहते हैं, हाँ लेकिन हम कंटिन्यूसली लगे रहे और उनके कोई दोस्त अगर उनको और बोल दे ले लेने यार काय को उसको हैरान कर रहा है। सो ऐसा कुछ हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपने 88 में एजेंसी लिया नितिन भाई, करेक्ट? 98 में एजेंसी लिया और वहां से आप कैसा काम करते थे, फिर IOE में कैसे आए वो बताइए। सर मैं 98 से मतलब पार्ट टाइम में ही काम करता था क्योंकि कपड़े का शॉप था, तो साथ में मैं 12 पॉलिसी 15 पॉलिसी हर साल का करता था। 2003 में पहली बार बेसिक कोर्स किया लेकिन उसके बाद में मुंबई नहीं आया मैं, एक्चुअल में मुंबई में मैं 2015 में आया एडवांस, उसके बाद में कॉर्पोरेट कोर्स किया कंटिन्यूस में और कॉर्पोरेट से मैं CC में आ गया और उसके बाद में मेरा कंटिन्यू प्रोग्रेस हुआ। एक्चुअल में 2007 से MDRT कर रहा था लेकिन जो 2007 से MDRT कर रहा था उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन 2015 के बाद में जब मैं कॉर्पोरेट कोर्स किया उसके बाद में मेरा डबल MDRT हुआ, उसके बाद में मेरा COT हुआ, कपल MDRT हुआ, तो अभी कंटिन्यू मेरा जर्नी चालू है। ये साल मेरा डबल COT का टारगेट है दोनों एजेंसी में COT। ग्रेट 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 नितिन भाई, बहुत अच्छा लगता है। देखिए लोग ऐसा सोचते ये लाइन में जाऊंगा तो सक्सेसफुल होगा, ऐसा नहीं है, जो सोचते ये लाइन में नहीं जाऊंगा जबरदस्ती भेजा गया फिर भी सक्सेसफुल हो जाता है। और IIM में ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं
कि जहां उनको नहीं आना था आए, जबरदस्ती आए, फिर आईओई में आए, इवन फेलियर होके आए, छोड़ने के लिए था और आईओई में आए, और फिर आईओई में आने के बाद उनका जीवन परिवर्तन हो गया। सो बहुत अच्छा लगा नितिन भाई। यस आगे बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सर, जो मैं LIC की एजेंसी शुरुआत में लिया और उनके पास में रिलेटिव के पास में वगैरह गया, तो वो लोगों ने भी मेरे पे हंसे और बोले कि यार कुछ ढंग का काम करना, क्या दिक्कत है तेरे को। आज मेरे को अच्छा लगता है कि वो लोग आते हैं मेरे पास में, पूछते कि यार मेरे बच्चे का आगे क्या कराऊं मैं, उसको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कराऊं। इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास में है ही, क्योंकि अब उनको फेथ हो गया, अब उनको दिख रहा है कि इतने सारे लोग मेरे से जुड़ गए। हालांकि नजदीक के लोग बहुत लेट जुड़ते हैं, नजदीक के लोग जल्दी सपोर्ट नहीं करते, ऐसा बहुत सा अनुभव है। सही बात। हाँ, फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो आज अच्छा एक लगता है कि जो लोग मेरे को हंसते थे यार तू दूसरा कोई ढंग का काम कर, वो जब मेरे पास में आके बैठते कि यार मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करो क्या नहीं करो, तेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इसको इंश्योरेंस के अलावा या इंश्योरेंस एजेंसी में एजेंसी देने को बोलूं क्या, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें हार्ड वर्क है, आप अगर कर सकते तो बहुत अच्छा है। मैं भी उनको सजेस्ट करता हूँ, मैंने एक दो जनों को एजेंसी भी दिलाई है। तो अभी मेरे को ये अच्छा लगता है कि मैं बिजनेस के अलावा मेरा एक अचीवमेंट है कि कोई मेरे को आके पूछता है कि पहले से एजेंसी लू क्या। मेरा भी नितिन भाई ऐसे ही हुआ था, मैं जब एजेंसी लिया तो बहुत लोग ये बोलते थे अरे क्या है, भीख मांगने का धंधा है, काय को ज्वाइन किया, ऐसा वैसा, और ऐसी नजरों से देखते थे, अपने को शर्म आता था। और आज वही लोग अरे यार मेरे लिए कुछ कर ले, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर ले, हमें कुछ काम दिला दे, तू तो अक्कल वाला था, पहले क्या बोलते तेरे में अक्कल नहीं, अभी क्या बोलते तूने अक्कल वाला था, तूने सही डिसीजन लिया। तो सक्सेस होने के बाद सब लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि यस ये अच्छा काम किया, ग्रेट नितिन भाई। तो नितिन भाई आपके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ऑफिस के बारे में, कौन कौन इन्वॉल्व है फैमिली के बारे में वो बताइए, फिर आपकी दिनचर्या बताइए। हाँ सर, सर मेरा जो है ना, सबसे पहले मैंने 2007 में जब MDRT किया तब मैं ऑफिस ही चालू करने वाला था, लेकिन हमारे DO साहब का कहना था मेरा ऑफिस है आप उसको यूज कीजिए, उसकी एक चाबी भी मेरे पास में रहती थी। Okay. तो मैंने बहुत से मेरे क्लाइंट जो है वो सर के ऑफिस में ले जाके मैं बैठा था, अगर ऑफिस बंद भी रहा है, स्टाफ नहीं रहा, तो मैं मेरा खोल के फिर मेरे जो क्लाइंट है उनको वहां बुलाता था। मेरे को अच्छा लगता था कि यार कुछ तो बैठने के लिए जगह है करके। फिर धीरे धीरे मैंने मेरा खुद का ऑफिस 2010 में चालू किया, लेकिन वो चालू करने के पहले मेरे दिमाग में था कि मैं एम्प्लॉय को काम क्या दूंगा, उससे काम कैसे कराऊंगा। लेकिन जिस वक्त मैंने कॉर्पोरेट कोर्स किया तो मेरे को समझ में आया यार एम्प्लॉय से तो बहुत कुछ काम है और एम्प्लॉय का ही सब काम है, मेरा तो काम खाली न्यू बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, मेरे जो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मेरा फोकस करना, इतना ही मेरा काम है, बाकी जो पूरा पूरा काम है ये पूरा स्टाफ का है। स्टाफ कैसे करेगा, उसको एड्रेस मिलेगा कि नहीं, वो मेरे क्लाइंट से बराबर बात करेगा कि नहीं करेगा, ये सब मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लेकिन जब मैंने कॉर्पोरेट कोर्स किया तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, स्टाफ बहुत कुछ अच्छा काम करता है और अच्छा स्टाफ भी मिलता है, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। आज मेरे पास 6 लोगों का स्टाफ है। हम लोगों ने कॉर्पोरेट कोर्स में एक और चीज सीखी है कि बैक ऑफिस संभालने के लिए सबसे बेस्ट मैनेजर जो रखना है, एक मैनेजर की पोस्ट बहुत अहम रहती है। तो मेरे मैनेजर की पोस्ट एक्चुअल मेरे वाइफ ने संभाली है, वो बैक ऑफिस संभालती है, 3 से 3.5 घंटा लगभग वो ऑफिस में बिताती है, और वो ऑफिस में आने के बाद में उसका ही काम है सबको सैलरी देना, किसी का प्रेजेंटी अब्सेंटी देखना, उसके अलावा किसका मतलब रिन्यूअल आया नहीं आया, रिवाइवल अगर किसी का करना है तो हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज देखना उसका काम है। तो वो दो तीन तीन साढ़े तीन घंटा जो भी वो देती है समय, तो उसके वजह से क्या होता है कि मेरा ऑफिस का जो टेंशन है वो कुछ भी नहीं रहा, 0% टेंशन रहा ऑफिस का मेरा, वो 100% मेरा ऑफिस संभाल लेती है, और स्टाफ भी मेरे को बहुत अच्छा मिला, थैंक्स टू माय स्टाफ कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे क्लाइंट लोगों को सर्विसेज दी। सबसे पहले मैं मेरे क्लाइंट्स को सपोर्ट सर आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से लेके तो अभी तक मेरे को सपोर्ट किया और मेरे को प्रमोट भी किया। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट है जो मेरे को रेफर करते कि सर आप एक काम कीजिए ना उनसे मिल लीजिए, और ऐसा नहीं उनसे मिल लीजिए, मेरे तो एक दो क्लाइंट ऐसे है कि जो खुद मेरे साथ में वहां तक चले, और ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा बहुत मैंने बुलढाने का, आज मैं अगर बोलूँ तो टॉप का बिजनेसमैन मेरे साथ में चलता है कि चल यार वो डॉक्टर से तेरे को मिला देता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख 5 लाख 10 लाख आएगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई मेरे साथ में चल के मेरे लिए मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी समझाता है, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो रेफरल जब मैं बनता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा अचीव किया। गुड गुड, तो आपने ऐसा उनको सर्विस दिया, आपने उनका ऐसा प्यार दिया है कि वो आपके आपका भला चाहते हैं, आप और उनका भी भला चाहते हैं। जो आदमी दूसरे को ले जाते हैं वो क्या चाहता है
कि yes. मेरे जैसा इसका भी लाइफ सिक्योर होना चाहिए, मेरे जैसे इसको भी पेंशन मिलना चाहिए, वो भलाई का काम है जो लोग ये करते हैं। yes. आपने बड़े वाइफ को इसमें, आपने अपने वाइफ को इसमें इन्वॉल्व कैसे किया? जनरली वाइफ और बच्चे लोग इसमें LIC में आते नहीं है, बहुत एजेंट लोग कंप्लेन करते, आपने कैसे इन्वॉल्व किया? सर मेरे वाइफ का, मैंने कॉर्पोरेट कोर्स किया था, तो कॉर्पोरेट कोर्स में एक दिन का एक सेशन आता है जिसके अंदर हम लोग 5-star होटल में जाते हैं और 5-star की लाइफ कैसी होती है वो पूरा दिन भर हम लोग सीखते हैं। बोले तो महसूस कराया जाता है सब, 5-star में जाके, 5-star में खाना खा के, 5-star में मीटिंग, 5-star के रूम्स वगैरह हम लोग सब देखते हैं। तो क्या रहता है कि एक हमारी विजन जो है वो चेंज हो जाती है कि 5-star लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसमें रहने को होना। तो फिर धीरे 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 वो सब चीजें LIC में हम लोग, मतलब IOU के थ्रू हम लोग हमारे वाइफ को भी समझाए कि ये अगर आप देखते हैं तो मैं और ज्यादा काम कर सकता हूँ और हमारी भी लाइफ एक 5-star लाइफ के जैसा हम लोग जी सकते हैं। तो वो सब चीजें बोलने के बजाय उनको महसूस कराई जब जाती है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, अपन कर सकते हैं और अपन ये ढंग से करें तो अपन ये लाइफ में जा सकते हैं। सही बात। नितिन भाई, अभी आपने मेरे ख्याल से एक प्लॉट लेके पूरी बिल्डिंग बनाई है जिसमें ऑफिस है और आपका घर भी है। हाँ सर, मैंने एक 2014 में 50 लाख का प्लॉट लिया था और अभी करीब करीब मैंने उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन करके उसमें वेल फर्निश्ड ऑफिस और घर दोनों बनाया मैंने। वाओ, ग्रेट। हाँ, मेरा 700 स्क्वायर फीट का ऑफिस है पूरा और आज की कंडीशन में 6 लोगों का स्टाफ है उसमें, जो मेरा बैक ऑफिस पूरा संभालता है, मेरे 4000 क्लाइंट्स को सर्विस देता है पूरा। तो ये सब मतलब मेरा स्टाफ और मेरे वाइफ को भी थैंक यू बोलूंगा कि उसने बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट के बाद में मेरा बैक ऑफिस संभाला। आपकी दिनचर्या बताइए, कितने लोगों को क्या क्या करते हैं, कैसे पूरा दिन कैसे आप स्पेंड करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका अब तक 2 MDRT हो गए। सर मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 5 अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ जाता हूँ और 5 से लेकर रात को 10 बजे तक का मेरा कंटिन्यू शेड्यूल रहता है। इसमें मेन चीज रहती है कि मेरा फोकस ही रहता है कि मैं मैक्सिमम लोगों को मिलूं, चाहे उसका काम रहे या मेरा काम रहे। बहुत सारे लोग मेरे पास उनका खुद का भी पर्सनल काम लेके आते हैं तो मैं उनको भी हेल्प करता हूँ और उनके माध्यम से मैं रेफरल बनता हूँ धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता है कि एक रिलेशन अच्छे बन जाते हैं कस्टमर से, अगर कस्टमर का कोई काम हमारे थ्रू होता है तो। और दूसरी बात ऐसा है कि जब हम लोग किसी के लिए रेफरल बनते हैं तो सामने वाला वैसे ही 50% सेलिंग कर चुका रहता है अपने, तो अपने को वहां जाने के बाद में बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती पॉलिसी लेने के लिए। तो मेरा दिन भर में फोकस रहता है कि मैं मिनिमम 10 लोगों से मिलूं 10 लोगों से मिलूं। मैं 5-6 लोगों से तो इजीली मिल जाता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कहीं समय लग गया तो मेरा 5 लोग तो मिनिमम में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, उसमें मेरे प्रेजेंटेशन 3-4 लोगों को होते क्योंकि मेरी 20 से 25 पॉलिसी में मेरा MDRT हो जाता है। वाओ, वाओ। तो इसके लिए मेरे को मतलब मेरा जो टिकट साइज है वो काफी अच्छा है और सारा मैक्सिमम बिजनेस लोगों में मेरा काम है। अभी मेरे थोड़ा थोड़ा सर्विस क्लासेस लोगों को भी फोकस किया क्योंकि उनका भी रेगुलर उनका जो इनकम है वो काफी रेगुलर है और अच्छा है, तो उनसे उतना बड़ा पॉलिसी नहीं आता लेकिन फिर भी ठीक है, वो भी जुड़े रहे तो थोड़ा थोड़ा रेगुलर हर साल आते रहता। सही बात। बिजनेसमैन लोगों को भी मैंने वही आदत लगाई कि हर 2-3 साल में आपका महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा पॉलिसी लेते रहिए, क्या होगा कि उससे थोड़ा थोड़ा आपका वो बहाने सेविंग हो जाएगा। अगर पर्सनल किसी का इंश्योरेंस फुलफिल हो गया है तो फिर उसके वाइफ के नाम से, बच्चे के नाम से भी मैं देता हूँ और वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं कि मैं उनको जब हम लोग पोर्टफोलियो बना के उसके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपको ये साल में इतना इतना पैसा आने वाला है तो फिर उसकी भी पैसे सेव करने की डेयरिंग बढ़ जाती है कि ठीक है मेरे पास ये आ रहा है ना तो चलो मैं ये डाल दूंगा करके। मतलब वो जब हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ में बैठते हैं तो वो इजीली हमको उतना पैसा दे देता है। गुड गुड। नितिन भाई, आपका जो विलेज एरिया है, छोटे छोटे गाँव है वहाँ, तो आप वो एरिया में कैसे काम करते हैं और क्या कंसेप्ट पे काम करते हैं? सर पहले मैं सुबह 5, 5:30, 6 बजे 2-व्हीलर पे निकल जाता था खेड़ों में क्योंकि वहां पे जनरली क्या रहता है किसान लोग जो है वो 8 बजे के बाद में मिलते नहीं है। ओ. तो क्योंकि वो लोग 8 बजे खेत में निकल जाते हैं, 9 के बाद में कोई नहीं मिलता खेड़े में, पूरा गांव जो है वो खाली रहता बोले तो चलता। वो हिसाब से कैसा उनको अगर मिलना है तो सुबह 5 बजे 6 बजे निकल जाओ। टाइम मेरे पास 4-व्हीलर भी नहीं थी, 2-व्हीलर पे निकलता था, मैक्सिमम लोगों को कवर करने की कोशिश करता था और 9 बजे तक मेरा काम निपट के मैं जो विलेजेस में जो बड़े टाउन रहते हैं सेंटर कुछ तो वहां पे वो लोग मिलते हैं दिन भर कुछ बिजनेसमैन वगैरह जो है, तो फिर वहां मतलब पहले छोटे टाउन कर लिए फिर बड़े टाउन में आए, बड़े बड़े विलेज में आए और फिर उसके बाद में काम निपटा के अपना बुलढाणा आ गए वापस। तो ऐसा मैं करीब करीब 40 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर मैं मेरा काम करता हूँ।
और आप लोगों का काम 9 बजे शुरू होता है, आपका काम 9 बजे ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है बहुत लोग को मिलके। हाँ हाँ ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपने सेगमेंटेशन अच्छा किया कि जो 9 बजे के पहले मिल सकता है उसको पहले मिल लो, उसके बाद मिलता है बाद में मिल लो। थोड़ा आपने जो शांति से प्लान किया ना, इसकी वजह से देखो आपको किसान लोग भी मिल जाते हैं और बिजनेसमैन भी मिल जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। सर हमारे यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है कि हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। हाँ जी हम लोग जिसके भी पास में जाते हैं ना, तो वो हमारे को नहीं नहीं बोलता मिलने के लिए, वो मिल लेता हमारे से इमीडिएटली। तो हमारे को उसमें दिक्कत नहीं है कि अभी इसको कैसा मिले करके, बराबर है। जाने के बाद में वो ये नहीं बोलता कि आपने हमारे से टाइम भी लिया था, ये सिस्टम नहीं है। अगर हम किसी का टाइम लेते हैं तो वो टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं। हाँ बराबर। गांव गांव खेड़े में वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं रहता है। आ जाओ यार अपना ही घर है, क्योंकि अपनापन वहां ज्यादा होता है। 100% सर। या और सिटी में क्या होता है, सिटी में लोगों का शेड्यूल अलग होता है, तो यहाँ की सिस्टम अलग है। यहाँ भी बहुत लोग विदाउट अपॉइंटमेंट काम करते हैं, क्योंकि इसके घर पे जाने के लिए हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है, वो अमेरिका के सिस्टम है। बड़े से बड़ा भी व्यापारी है ना, तो भी उसके यहाँ पे हमारे को अपॉइंटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग डायरेक्ट भी गए तो सामने वाला तो हमारे को अटेंड कर लेता, और आज उतनी गुडविल भी हो गई कि वो हमारे को अटेंड करता है। और मजे वाली बात क्या है, जाने के बाद ना नहीं बोल सकता है, अपॉइंटमेंट लेने को बोलेगा तो ना बोल सकता है। तो हम लोग भी फोकस ये करते हैं कि उसका समय कब खाली रहता है। जैसा अगर समझो कोई व्यापारी है तो सुबह सुबह उसके पीछे ज्यादा काम रहते हैं, बैंकिंग के वगैरह काम निपट गए तो 4 बजे के बाद में थोड़ा सा वो रिलैक्स रहता है। या फिर अगर कोई कपड़े वाला है तो वो दोपहर में खाली रहता, शाम में उसका जो है कपड़े का वगैरह जो है वो शॉप में ज्यादा गर्दी रहती। तो जिसका जो टाइम जैसे है अपने को मालूम है खाली है, तो हम लोग वो हिसाब से ही उसको अटेंड करने की कोशिश करते ताकि वो हमारे को समय दे पाए। क्या कंसेप्ट पे काम करते हैं वहाँ वो एरिया में आप? सर 98 से मैं अभी तक जो देखते आ रहा हूँ तो हर बार मैं अलग अलग कंसेप्ट पे काम करता था। अभी मेरा जो काम चल रहा है वो रेगुलर इनकम पे चल रहा है। मैंने एक्चुअल में पिछले 5-6 साल से मेरे रेगुलर इनकम और रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बहुत सारा काम किया। रिटायरमेंट प्लानिंग भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और रेगुलर इनकम भी अच्छा लगता है। लेकिन बीच में मैंने मेरा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैंने पुणे में एक 5-6 IT बच्चों को मेरे परिचित है उनको मैंने एक ज्वाइंट मीटिंग लेके एक होटल में मीटिंग लिया था और हम लोग नाश्ता करते करते मैंने उनको LIC के एक दो प्लान समझाए थे, कंसेप्ट समझाई थी। लेकिन वो टाइम उन्होंने बोला था कि नहीं हमको टर्म इंश्योरेंस भी ठीक है और टर्म इंश्योरेंस के साथ में हम लोग म्यूचुअल फंड करेंगे, शेयर मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि उस वक्त मेरा जो 6-7 लोग था उसमें से एक भी पॉलिसी का सेल नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से उन्होंने सुना था। तो कोरोना के बाद में वो लोग इमीडिएट मेरे को उसमें से 3-4 लोगों का फोन आया कि नितिन भाई अपन रेगुलर में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो टर्म इंश्योरेंस में के अलावा बात नहीं कर रहे थे, और वो भी टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता जो है वो अदर कंपनी का LIC का नहीं है। तो वो वजह से कैसा कि भाई टर्म इंश्योरेंस पे ही उनका फोकस था, जो आजकल मीडिया में बताया जाता है कि आप सिर्फ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है तो इंश्योरेंस ही प्योर इंश्योरेंस लो और बाकी सब आप जो इन्वेस्टमेंट वो अदर या सीधा सीधा उनका कहना रहता है शेयर मार्केट में करो। सही बात। शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे आपकी एंट्री कब होना चाहिए, आपका एग्जिट कब होना चाहिए और कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही उसका आपका स्टडी होना चाहिए। उसमें आप अगर समय दे पाते हैं तो आपको पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप समय नहीं दे पाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से आपका पैसा जो है वो बहुत कम, मतलब उनको बहुत सारा लॉस हुआ है, लेकिन वो चीज कभी फोकस नहीं होती कि कितने लोगों को लॉस हुआ। 100 में से बड़े मुश्किल से 2 या 3% लोग ऐसे जिनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, बाकी लोग तो सब अंदर हुए ना, लेकिन ये चीज कोई फोकस नहीं करता। सभी बोलते कि भाई हमने तो लिखा है कि आप कंडीशन हमारी पढ़ लो और उसके बाद इन्वेस्ट करो करके। मैंने एक जॉक पढ़ा था, वो आदमी बोलता है मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आखिर बोलते मुझे एक छोटी सी आदत है झूठ बोलने। वैसे ही हो गया, म्यूचुअल फंड में ये मिलता है, म्यूचुअल फंड में वो मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क। और मैंने भी बहुत लोगों को देखा है वो, लेकिन मैंने देखा है अक्कल है ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती, और ठोकर खाने के बाद ही वही लोग आते हैं, फिर बोलते यार पहले सुना। मतलब पहले सुना भी तुमको फीस तो चुकानी पड़ेगी, वहां हमारी बात नहीं सुनी। मेरे भी अभी क्लाइंट के पास मैं गया था, वो भी बोलते रहे टर्म इंश्योरेंस ना अच्छा है, 1.25 करोड़ प्रीमियम भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा प्लानिंग पहले लिया, अभी कुछ ना कुछ नए एडवाइजर आ जाते हैं, ये बंद करो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, वो डाल दो, तो
मैंने एक दो दफे मीटिंग किया तो बंद तो नहीं किया, लेकिन अभी ये टाइम आया, बोला दीपक भाई टर्म इंश्योरेंस लेना आप आओ। अभी मैंने उनको इतना लिटरली झाड़ा, मैं बोला यार इतने साल से तुम बिजनेस कर रहे हो, अभी बोलते 2 साल से बिजनेस ठंडा था, 10-11 करोड़ का लफड़ा हो गया है, डूब गया है, अभी आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है क्या कि जो 60 या 65 साल से जिंदगी भर पैसा आवे? बिजनेस तो प्लस माइनस चलते ही रहने वाला, बिजनेस म्यूचुअल फंड शेयर बाजार ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बिजनेस है, ये रिस्क है, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है और रिस्क है तो दोनों है। तो मतलब जिंदगी भर आपको ऊपर नीचे होते रहना है, एक अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाना है या गारंटीड पीस ऑफ माइंड? मैंने उनको एक बोला देखो आपके पास मैं हर साल 2 करोड़ रुपया दू और तभी आपके पास 100 करोड़ होगा, तो होगा कि आपको 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन आपके पास तभी 0 है और मैंने 2 करोड़ दिया, मतलब आप उसको पप्पी कर लो। मैंने ऐसा किया, बोले जिंदगी भर 2-2 करोड़ रुपया हर साल आना चाहिए, ऐसा कुछ लाइफ होना चाहिए, मतलब नहीं। और लास्ट में इंटरव्यू के बाद हम लोग मिले, बोले आप अच्छा हुआ आए, मैंने आज मैं आपको जाड़ने को आया था, मतलब दोस्ती है यार जाड़ना, बोले तभी सच्चा दोस्त कौन है, दिल की बात बतावे, बहुत दिनों से मेरा दिमाग छटक रहा था। मैं बोला कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो आपके क्लाइंट को भी ये काम में आएगा, इसके लिए मैंने बातें बताई, आप ये सब क्लिप है ना सभी क्लाइंट को भेजिए, तो उनको भी पता चले यार जिंदगी में रिटर्न इज नॉट इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट, वो टाइम पे पैसे आते कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग रिटर्न के पीछे जाते हैं, एक्चुअली सही टाइम पे पैसा आना हमारा जिंदगी चलना जरूरी है। ग्रेट, एकदम करेक्ट सर। अभी अभी वही विषय, मैंने एक क्लाइंट से बात की थी और उनसे शेयरिंग हमारा चल रहा था, प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो मैंने बोला कि आप प्रॉपर्टी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर है, आपके प्लॉटिंग्स बहुत सारे हैं, तो बातों बातों में हमारा विषय ऐसा निकला, तो उसका कहना है कि मैंने बोला कि आपको जैसा ये प्लॉट का टैक्स भरना पड़ता है, उसके अंदर आपको देखरेख भी करना पड़ती है, उसको फेंसिंग है तो फेंसिंग भी बराबर सही जगह पे है या नहीं है, नहीं तो बाजू वाला कंस्ट्रक्शन कर रहा तो उसके ऊपर भी ध्यान दो। अगर एक आधे के पास में 100 प्लॉट है तो बोले कि इसके बाद में मेरे को एक ही करना पड़ेगा, एक आधे जैसा जो आउटसोर्सेस एजेंसी बोलो या अनलीगल तरीके से अपन बोलते कि गुंडे लोग जो है उनको हफ्ता देना पड़ेगा कि भैया मेरे 100 प्लॉट तो संभाल के रख करके, ये समय आने वाला है, बोले 100% प्रॉपर्टी संभालने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स या मेंटेनेंस बाकी का देने के बजाय उसके अलावा भी उनको ये एक्सपेंसेस करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉपर्टी आप संभाल के रखो। सही बात, आज मुंबई पुणे में तो ये चालू ही है कि अभी अभी क्या आ गया इन दिन में मालूम है, बॉम्बे में और सिटी में क्या आ गया, आपको एक और चीज बताऊं, आपके पास 2 फ्लैट है तो दूसरे फ्लैट का आपको रेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं रख सकते हो। यस यस, अभी फ्यूचर में लैंड में भी ऐसा आ जाएगा, रेट दिखाना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हो गया। नहीं, अभी आपका फ्लैट खाली पड़ा है नहीं चलेगा, आपका फ्लैट खाली पड़ा तो भी रेंट भरना ही पड़ेगा आपको, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अभी मेरी कल मेरी एक पार्टी से बात हुई, मुझे बोला दीपक भाई मैंने इधर अलीबाग के इधर एक लैंड लिया, फार्म हाउस करके लैंड लिया, किससे लिया, मतलब बैंक से, अभी बैंक का पैसा किसने डुबाया था तो बैंक ने उसको बेचा, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? लैंड ले लेने के बाद पेमेंट होने के बाद ओरिजिनल मालिक ने केस किया, क्लेम किया है कि बैंक ने बराबर नहीं किया, हमको इतना पैसा बराबर नहीं दिया है, अभी उसके ऊपर स्टे आ गए कि बोले ये प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, वो इतना फंस गया, बोलते साला अभी मैं इसको बेच ही नहीं सकता, वो बैंक का कब पटेगा क्या पटेगा, अभी मैं क्या करूं, उसको डेवलप करो भी कोई लेगा भी नहीं, भाव भी नहीं है, मतलब ऐसे चक्कर में काय को जाते हो, सीधा सीधा पीस ऑफ माइंड वाला जीवन शांति, जिसका नाम है शांति और जिसका नाम है उमंग, ऐसा करो कुछ की उमंग ही उमंग हो, शांति शांति हो, तुम लोग काई को रिस्क, बिजनेस भी करते हो, रिस्क भी लेते हो, जिंदगी बर्बाद करते हो, लास्ट में फिर रोते रहते हो, तो ये सब ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि रेगुलर इनकम, और जो हम लोग आई आई में सिखाते हैं, यस भाई सेकंड इनकम पैसिव इनकम दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस नितिन आप कुछ बोल रहे थे। तो इसमें एक और मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर विषय निकला था, उसका अंदर अभी आज की कंडीशन बम्बई पुणे या फिर हैदराबाद में मेरे साडू का फ्लैट है, तो उनके साथ में ऐसा इंसिडेंस हुआ कि 3 साल के लिए टेनेंट को दिया हुआ है, लेकिन 3 साल में 3 महीने का रेंट जो है वो ब्रोकर को देना कंपलसरी,
हाँ वो तो है, वो तो है सीधी बात। ब्रोकर बोले तो वो एरिया का गुंडा ही हो गया ना सर, वो सीधा सीधा बराबर है कि नहीं, नहीं, वो ब्रोकर चेंज हुआ तो उसको वो आदमी मैसेज भी काम भी करता है ना, ध्यान रखता है। तो 3 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया तो भी उसको 3 महीने का देना है। ओह ये नया निकला, ये नया विषय है, मैं इसलिए आपको बोला कि अगर वो अगर आपको ब्रोकर दे रहा है तो ब्रोकरेज देना ठीक है, लेकिन वो कोई लेना देना नहीं है। 11 महीने का आप रखो, 1 महीने का हमको कंपलसरी लगेगा। आपका टेनेंट अगर 10 साल भी रहा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, टेनेंट है ना तो आपको 1 महीने का देना ही पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा दादागिरी वाला विषय हो गया है और वो देना ही पड़ता है, उसको कोई मतलब नहीं। आपकी प्रॉपर्टी वो एरिया में तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और रेंट में मैंने देखा है, आप इन्वेस्टर को मैंने बोला कि आपको 2% से ज्यादा छूटता नहीं है। मेरे क्लाइंट है, मुझे बोल रहा था नितिन भाई कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। मैंने उनको ही पूछा, मतलब सर आप इतना अच्छा कैलकुलेट करते, मुझे अच्छा लगा। मुझे आपको बता, आपको खुद का घर लेना चाहिए, खुद का बंगलो लेना चाहिए कि भाड़े पे रहना चाहिए? बोलते भाड़े पे रहना चाहिए क्योंकि रेंट 2% ही लगता है। अक्ल वाली ऐसे ना, प्रॉपर्टी जो पैसा है तो मतलब वो पैसा बंगलो बेच दो, घर बेच दो, 12% में लगाओ, 8% में लगाओ और 2% में रेंट पे रहो। ऐसे क्यों नहीं करते? सारा इन्वेस्टमेंट का बात आता है, लाइफ का आता बात है, फैमिली के लिए कुछ करने की बात आती है तभी तुम कैलकुलेट करते हो। मतलब हमारे बुजुर्ग है ना, हमारे सीनियर मूर्ख नहीं थे। खुद का घर होना चाहिए, भले रिटर्न कम आता है लेकिन अच्छे और बुरे टाइम पे काम आता है और हमें कोई टेंशन नहीं होता है। जिंदगी जीना है, खाली पैसा ही पैसा। तो मैंने देखिए लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, मतलब खाली फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? बंगलो बेचो, गाड़ी बेचो, BMW बेचो, मर्सिडीज बेचो, 800 में घूमो, इन्वेस्ट करो। लोग बोलते हैं अरे बल दीपक भाई भड़कती क्यों, भड़क क्यों रहा हूं? आपकी साइकोलॉजी से आपको ही समझा रहा हूं। यस यस, अभी अपन रेगुलर इनकम की जब बात करते हैं तो अलग अलग पॉकेट से, प्रॉपर्टी का पॉकेट तो अपना हो गया अभी, इसके पहले एक और पॉकेट बहुत अच्छा है वो बैंकिंग का है। लोग बैंक में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी बैंक में डालते हैं, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे एक दो बैंक का भी काम करता हूँ तो मेरी वो लोगों से बातचीत होती रहती है। तो उनके झेड़े सेम ने एक बार मेरे को बोला था कि दापड़िया जी 2023 तक हम लोग 5% में हाउसिंग लोन देंगे। अगर 5% में वो लोग हाउसिंग लोन देंगे तो वो टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और वो भी टैक्सेबल। बड़ी बात, वो भी टैक्सेबल रहेगा। 2% रहो, 2.5% रहो या 3% रहो, लेकिन वो जो भी रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो ये अगर इतना कम अमाउंट आपको मिल रहा है इंटरेस्ट और वो भी टैक्सेबल रहेगा तो आपको क्या परवड़ेगा? कल पैसिव इनकम के लिए आपके पास पॉकेट कौन सा है? सही बात। तो मैंने वो यही मेरा स्टडी जो मटेरियल है, आप अभी जो डिस्कशन किया आपने, प्रॉपर्टी का बोलो, बैंकिंग का बोलो, यही और शेयर मार्केट का, ये 3 मेन पॉकेट है जिसके अंदर लोग पैसा रखते हैं। चौथा और एक पॉकेट है गोल्ड का, गोल्ड में इमरजेंसी के लिए लोग पैसा रखते हैं, लेकिन गोल्ड में रिटर्न वाला विषय नहीं है, वो ओनली फॉर इमरजेंसी फंड है और वो लिमिटेड ही लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें। उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिस्क, हाई रिस्क वाला विषय है, बराबर, क्योंकि संभालने का जोखिम उतना ज्यादा है। बैंक में लोग एफडी और ये सब ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको उनको है ना कोई समझाने वाला नहीं मिला नितिन भाई, आपके और मेरे जैसा। अगर उनको समझावे ना, क्लियर कट समझ जाते हैं कि यार बैंक में पैसे रखने से इधर पैसा रखना अच्छा। और यहाँ पे हम लोग लाइफ टाइम दे रहे हैं, सबसे मेन चीज की होल लाइफ हम लोग दे रहे हैं। उसमें भी अगर बच्चे के हिसाब से प्लानिंग कर दूं तो उसको तो बहुत मतलब सोने पे सुहागा। अगर आज अगर 15 साल का या 10 साल का बच्चा है तो उसको 90 साल तक LIC गारंटेड लिख के दे। आज बैंक में, आज बैंक में ज्यादा ज्यादा 3% के, 3 साल के ऊपर वो लिख के नहीं दे रहे, मैक्स टू मैक्स 3 साल लिख के दे रहे हैं। 3 साल के बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा, ऐसा उसमें अभी लिख के दे रहे हैं, वो भी टैक्सेबल है टोटल। यहाँ पे जो है वो होल लाइफ है। अगर कोई 15 साल का बच्चा, उसको अगर हम लोग पॉलिसी देते हैं, लगभग 85 ईयर्स LIC उसकी गारंटी ले रही है, और पेरेंट्स उसके साथ में ज्वाइंट में हो सकते कि अगर समझो मैं जब तक हूँ तब तक मैं वो पेंशन दूंगा, बाद में बच्चा लेके रहेगा। सही बात। तो एक रेगुलर इनकम का जो साधन है वो आज उसके पेरेंट को भी मिल जाता और बच्चे को भी मिल जाता। तो मैं मैक्सिमम जो चीज है वो मैक्सिमम लोगों को पैसिव इनकम देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग पहले शेयर मार्केट और टर्म इंश्योरेंस की तरफ थे, आज कोरोना के बाद में उनकी भी थोड़ी थोड़ी मेंटेलिटी चेंज हुई कि नहीं, पैसिव इनकम के ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी जितने बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरे जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, वो लोग भी पैसिव इनकम की तलाश में,
पहले वो लोग प्रॉपर्टी की तरफ देखते थे, नहीं इधर 10 एकड़ खेती ले लेंगे, उधर 5 एकड़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 200 एकड़ खेती है, नहीं है ऐसा विषय नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहे कि नहीं अभी इतनी खेती नहीं होना या अब प्लॉटिंग नहीं होना, अभी और दूसरा कुछ होगा तो बताओ हमारे को। सही बात, अभी लोग धीरे धीरे टर्न हो रहे से उनको उनके लेवल से समझाना जरूरी है। सही बात, सही बात, अगर अपना प्रेजेंटेशन पावरफुल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती सर। सही बात, सही बात। तो नितिन भाई, आपने एक पार्टी से मैक्सिमम कितना प्रीमियम लिया हुआ है, या तो आपके कुछ ऐसे सेल बताइए जहां आपको मजा आया हो, पार्टी को मजा आया हो, कुछ डिफिकल्ट सेल हो, चैलेंजिंग थे, मजा आया, ऐसा कुछ दो चार सेल बताइए हमारे दर्शकों के लिए। सर एक छोटा सेल था मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब मैंने आज से 15 साल 15-18 साल पहले लगभग एक क्लाइंट से इंश्योरेंस, उसको समझाया सब कुछ, उमंग समझाया था मैंने उस वक्त भी, और सॉरी जीवन तरक पूरा नाम है उसको, पसंद आ गया। उन्होंने ठीक है मैं मेरे पूरे फैमिली के लिए ले लेता हूँ, लेकिन बोले दिक्कत यह है कि मेरा भाई LIC एजेंट है तो मैं उससे ही पॉलिसी लूंगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप आपके भाई से लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपके भाई का नंबर दीजिए मेरे को, मैं उसको फोन कर देता, मतलब वो आपको फटक से पॉलिसी दे देंगे, वो आपको पॉलिसी दे देंगे और आपको फिर ये इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और आगे रेगुलर इनकम भी मिलेगा। तो बोले ठीक है, तो मैं बोला चलो उनका नंबर दीजिए मेरे को, तो बोले ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। मैं बोला नहीं अभी आज का दिन अच्छा है, आपका मूड है ना आज, तो आज ही ये कंप्लीट करने का है, आपके भाई का नंबर दीजिए मेरे को, मालूम था बुढ़ाना में रहते, मेरे पास में भी नंबर था उनका, लेकिन मैंने उनसे जानबूझ के नंबर लिया नहीं, बोले मैं उनसे बात करता हूँ पहले, फिर मतलब आप अभी बात कर लीजिए ना, दिक्कत क्या है। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे पास नंबर है मैं बात करता हूँ। सिर्फ मतलब एक बात बताइए मेरे को कि आपका जब रियल भाई है, सगा भाई है, तो इतने दिन में उसने आपके पास में आके इंश्योरेंस देने को होना था, आपको अनइंश्योर्ड नहीं रखने को होना था। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने आपको इंश्योर्ड करने की कोशिश की है, आपको प्लान समझ आया, आपको पसंद आया, आप लेना चाहते हैं, रियली लेना चाहते हैं क्या, सिर्फ मेरे को टालना चाहते हैं। अगर टालना चाहते होंगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही विषय क्लोज कर दूंगा। सही में लेना चाहते हैं तो मैं बोला फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो नहीं बोले मेरी बहुत अच्छी इच्छा है कि इसको लेना ही चाहिए करके, तो थोड़ी सी उनको बात कुछ चुप गई। तो मैंने बोला एक काम करता, मैं फोन लगा कि भैया को बोल देता वो आके ले लेंगे। तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं यार अभी ले तो लेंगे भाई से, लेकिन वो सर्विस तो देगा नहीं। और मैं बोला ये पॉलिसी 20 साल पैसा भरना है और 100 साल इसमें मेरे को सर्विस देना है, क्योंकि आगे आपको पैसा मिला कि नहीं मिला ये तो मैं ही चेक करूंगा ना, और नहीं भी मिला तो LIC से जो भी मेरे को बातचीत करना है वो मैं करूंगा। आपका भाई इतना रेगुलर है क्या? उनका भाई छोटा सा एजेंट था, कोई 20-25 पॉलिसी करता था, वो भी घर के बहुत अच्छे थे, तो वो ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करते थे लेकिन बहुत कम काम करते थे। तो उनको समझ में आ गया नहीं यार भाई से, भाई के बजाय मैं आपसे ही लो करके। तो उन्होंने खड़े खड़े मेरे को 1,35,000 का प्रीमियम दिया था, ये आज से 15 साल पहले का विषय, अभी उनकी वो पॉलिसी मेच्योरिटी पे आ गई है। टाइम बहुत अच्छा था। हाँ लेकिन उसके बाद में मैंने उनको कंटिन्यू रेगुलर छोटा छोटा मोटा पॉलिसी जैसा भी होता है वो देते गया, तो आज मेरे पास में उनका पोर्टफोलियो करीब करीब 6 लाख का है। गुड गुड गुड, मेरा हाईएस्ट प्रीमियम जो है वो अभी मेरे पास में एक क्लाइंट है जो करीब करीब 85 लाख रुपए मेरे पास में भरते हैं। हाँ उनका टोटल प्रीमियम होगा 1,25,00,000 के लगभग, पुराना कुछ पॉलिसी वगैरह मिला के, लेकिन 85 लाख रुपए मेरे खुद के एजेंसी में उन्होंने मेरे को दिए हैं ऐसे ही सर्विस के माध्यम से। उनके पास में पहले बहुत सारे एजेंट आके 1-1, 2-2 लाख की पॉलिसी देते थे, और मैंने देखा कि उनकी जो पॉलिसीज है उसमें से कुछ करीब करीब 6 से 7 पॉलिसी बंद है। तो पहले क्या होता था कि ब्रांच में वगैरह हम लोग गए तो वो ड्यू लिस्ट, मतलब जो लैप्स लिस्ट है वो देखने को मिल जाती थी, उसमें नाम परिचित है, गाँव छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर मैं उनको मेरे एम्प्लॉय के ऐसे लेटर लिख के भेज दिया कि इसका इतना भरना पड़ता है, भर दीजिए, ये पॉलिसी चालू हो जाएंगे। एक पॉलिसी चालू करी, दूसरी चालू करी, तीसरी चालू करी, तो चौथे इसमें बोले एक काम करो तुम्हारे बॉस को बोलना एक बार मिलने को बुलाए। तो मैं गया तो उन्होंने लिटरली सर मेरे पास में 40 से 45 उनकी फाइल्स थी सर, वो सब पूरी की पूरी मेरे सामने ला के रखी। तो मेरे को बोले एक बार एक काम करो, बोले इसका पूरा स्टडी करो और इसमें कौन सी पॉलिसी बंद है वो देखो और मेरे को पूरा चालू करवा दे। और मैं बोला ठीक है, बोले ये फाइल आप लेके जाओ घर पे पूरी पूरी, आपके लिए निकाल के रखी है और ये पूरी आराम से स्टडी करके मेरे को 5-6 दिन में। ठीक है, फिर मैंने वो पूरा का पूरा इतना बड़ा गट्ठा तो 10-12 किलो का वजन होगा वो मैंने उठाया, तो नहीं बोले आप पर उठाओ, मैं मेरे एम्प्लॉय के हाथ से भेज देता, मतलब मेरे को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोले आपका ये काम नहीं है, आप जो हमारे लिए कर लेंगे यही ठीक है। फिर उन्होंने एक बार निकलते निकलते मेरे को एक बात बोला कि अगर समझो ये अगर पॉलिसी अच्छा होगा तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे या तो अपन इसको क्लोज कर देंगे। मैं बोला देखो आपने जो भी पुराना पॉलिसी लिया है उसको क्लोज करना मेरे को नहीं जचता, मैं किसी को करने भी नहीं देता। हाँ आपको सर्विस नहीं मिल रही इस वजह से पॉलिसी बंद हो रही होंगी, तो आपने मेरे पास में सौंप दिया है तो आपकी एक भी पॉलिसी बंद नहीं होंगी इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो उसके बाद फिर वो सब चालू कर दिया, उसको पोर्टफोलियो बना के दिया।
तो धीरे से मेरे को बोले कि कोई अच्छा प्लान होगा तो बताना, बड़े लोग बहुत होशियार रहते हैं, वो कोई चीज बाकी नहीं रखते अपनी तरफ से। तो सर मैंने उनको पहले सिटिंग में करीब करीब मतलब मैंने लिया उनसे 28 लाख रुपए, लेकिन मैंने उनको प्रपोज किया था करीब करीब 64 लाख रुपए। तो बोले इतना एकदम से अपन नहीं भर पाएंगे। मैंने उनको धीरे धीरे समझाया कि आप जो भर रहे 64 लाख रुपए तो आप कहां जेब से भर रहे, आपका पहले जो LIC का आपने पहले LIC में जो बोया था वो उग रहा है, तो देखो हर साल आपको 7-8 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये 7-8 लाख आपको सपोर्ट करेंगे कुछ, आप आपके बिजनेस में से प्लानिंग करके भरो तो आपको इजी गोइंग होगा। तो नहीं, बोले अपन एक काम करते, 8 लाख रुपए आ रहे तो 20 लाख रुपए मैं मेरे बिजनेस में से निकालूंगा, और मेरा एक ही MDRT वहां से हो गया था। वाओ वाओ, एक ही पार्टी में MDRT। एक ही फैमिली से हुआ था। हाँ वही। हाँ सर, एक ही फैमिली से लगभग वो MDRT हो गया था, क्योंकि पहले MDRT को 40 लाख प्रीमियम बचता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 28 लाख रुपए लगभग, यानी 75% मेरा MDRT वहां से पूरा हुआ। ग्रेट ग्रेट। अच्छा लगता है जब विलेज लोग सोचते हैं ना, गांव में बिजनेस नहीं है, छोटे लोग है, ऐसे वहां भी अगर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है, बहुत अच्छे फैमिली है। नितिन भाई, आपका इस साल का टारगेट है डबल COT। यस सर। आपकी एजेंसी में और वाइफ की एजेंसी में दोनों में COT है, आपका क्या प्लानिंग, आगे कैसे काम करने वाले हैं? सर अभी हमारे पास में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है जीवन उमंग। हाँ जी। और उसके अंदर हम लोग मतलब उसके तोड़ में आज की कंडीशन के मार्केट में कुछ भी नहीं है, बोले तो भी चले। सही बात सही बात। इवन लोग बोलते हैं शेयर मार्केट है, लेकिन शेयर मार्केट में समय देने के लिए किसी के पास में समय नहीं है। वो उसका बिजनेस करेगा, वो उसका जॉब करेगा, या शेयर मार्केट में ध्यान देगा। और वो लोग भी थोड़ा शांतता से पैसा चाहते हैं, पीसफुली इनकम चाहते हैं। तो पीसफुली इनकम के लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ रिवर्स वाला विषय नहीं हमारे पास में। और आज हम सब कुछ लिखित में दे रहे हैं कि 8% देंगे, ये लिखित में दिया है अपन ने, बराबर है। और आप सरेंडर भी कर सकते हैं आगे चल के, अगर आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत गिरी तो लोन भी है और सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां, अगर हम लोग उमंग का स्टडी करके अगर कोई आदमी को अगर हम लोग 30 मिनट तक अच्छे से समझा देवे, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट अगर हम लोग उससे चर्चा करके अगर पूरा उमंग अगर अच्छे से समझा देवे, तो मेरे को नहीं लगता कि वहां से मैं उठूँ तो 4-5 लाख के नीचे प्रीमियम लेके उठूँ। तो ऐसे मैंने लगभग 100 लोगों को मेरे को देना है, अभी 100 डेज हमारे पास में है, और रोज एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी दूं मैं 4-5 लाख रुपए का, तो भी मेरा 2 COT आराम से कंप्लीट हो। नितिन भाई, आपके आपका जो मास्टर माइंड है, अपना कमिटमेंट कोर्स का जो मास्टर माइंड है, तो बहुत पावरफुल है। बुल्ढाणा टीम, मैं हमेशा ऑल ओवर इंडिया में हमारे बहुत से मास्टर माइंड है, लेकिन उसमें से आपका और गुजरात का और बाकी दो चार मास्टर माइंड एकदम डिफरेंट है, लोग उनकी वाह वाह करते हैं। तो आपके मास्टर माइंड आपको, आप कैसे हो, उनको एक दूसरे कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सर पहले तो मैं मेरे मास्टर माइंड को भी थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और हमारा मास्टर माइंड मेरे ऑफिस में होता है, पहले हमारे हर वेनसडे को मेरे ऑफिस में होता था, और सभी लोग मेरे ऑफिस में आके फिर हमारा जो भी हमने वीकली जो बिजनेस किया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे। किसी का अगर बिजनेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका भी उसको जवाब देना पड़ता था, इवन मेरे को भी उसका जवाब देना पड़ता था। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा एजेंट नहीं रहता, यानी कोई छोटा एजेंट भी किसी से भी जवाब पूछ सकता है कि आपने क्यों नहीं किया। दो चीजें हैं सर कि भाई बिजनेस कितना आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कितने लोगों को मिला और उसको मैंने कितना प्रेजेंटेशन दिया ये मेरे हाथ में है। तो ये मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया ये भी हम लोग अगर देख ले पूरा, तो भी मेरे को नहीं लगता कि हमारा कोई बंदा MDRT बनने से पीछे रहेगा। आज हमारे इसमें मैक्सिमम सबके सभी MDRT हुए हुए, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो MDRT नहीं हुआ, और हम लोग एक मेक को सपोर्ट करते, आपका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इवन सर ऐसा हो गया था, मेरा फर्स्ट टाइम जब COT हुआ था तो हमारे 4-5 एजेंट लोगों ने जो हमारे MM टीम के, उन्होंने उनका बिजनेस होल्ड करके रखा था कि कहीं लास्ट ओवर में अगर नितिन को थोड़ा पर बिजनेस कम गिर गया तो चलो अपन अपना पॉलिसी उसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने और IOE ने भी हमारे को ये सिखाया कि हम लोग एकमेक को सपोर्ट करें। यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना है कि लोग एकमेक का बिजनेस खींचते हैं, लेकिन लेना नहीं, हमारे पास लेने का काम नहीं करा। हाँ, लेकिन मेरे को लेने का काम नहीं गिरा COT के लिए। इवन हमने आसिफ मिर्जा जब फर्स्ट टाइम MDRT हो रहा था तब भी हमने हमारा बिजनेस होल्ड करके रखा था कि चलो उसको अगर कोई छोटा सा काम गिरता है, क्योंकि 90% या 95% तो उसने कंप्लीट कर दिया, लास्ट डे में कहीं जैसा LIC की तरफ से कोई डिवीजन का डिसीजन नहीं आ पाया या जोन से डिसीजन नहीं आ पाया, तो उसका बिजनेस नहीं रुकने को ना या उसका MDRT नहीं रुकने को ना, इसके लिए हम लोगों ने वो बिजनेस होल्ड करके रखा था कि चलो उसके एजेंसी पे डाल देंगे। तो एक ये बहुत अच्छी भावना है कि हम लोग एक मेक को सपोर्ट भी करते हैं और एक मेक का बिजनेस बढ़ाने में भी ग्रो करते हैं। सही बात सही बात सही बात।
यस नितिन भाई, आपको और कुछ बोलना है? बहुत अच्छा आपने आइडियाज दिए हैं लोगों को। आप क्या चाहते हैं, एजेंट लोग अगर अच्छा काम करना चाहिए तो आपकी क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए? सर दो तीन बातें मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा, सजेशन देना मेरा काम नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। आप, हाँ, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका भी भला हो जाए हमारे दर्शकों का। हाँ, मैंने मेरा 23 साल के करियर में एक ही चीज सीखा कि कस्टमर का कोई भी काम हो, मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, वो अगर हम लोग कर देते ना तो वही हमारे को बहुत बिजनेस देके जाता। छोटे से छोटा कस्टमर भी कितना बड़ा बिजनेस देके जाएगा ये मालूम नहीं है। तो मैंने तो पहले से एक ही बात मतलब सीखी है कि जो भी क्लाइंट मेरे से जुड़ जाता है उसका पूरा LIC का पॉलिसी बोलो, प्राइवेट इंश्योरेंस का पॉलिसी बोलो, हेल्थ का पॉलिसी बोलो, वो मैं मेरे पास में सब उसका नंबर्स लेके रख लेता हूँ, और मैं मेरे तरफ से मेरे बैक ऑफिस के थ्रू उनको सर्विस देने लगाता हूँ कि भाई आपने अगर समझो टाटा का भी पॉलिसी लिया है तो कहीं तो भी हम लोग मेंशन करके रख लेते हैं और सर आपका टाटा का प्रीमियम भर दीजिए ना, वो भर देता है, ठीक है, उसको एक इंटीमेट देना काम है। LIC का प्रीमियम वो जब तक नहीं भरता तब तक हमारे ऑफिस से उसका रिमाइंडर जाते रहता, तो उसमें क्या होता है कि अपना काफी लॉन्ग टर्म उसके साथ में एक एग्रीमेंट बनता है, तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में अगर हम लोग उसको अच्छे से अच्छी सर्विस देवे तो सामने वाला बंदा हमारे को खुद रेफरेंस देता और खुद होके सामने से बिजनेस भी देता है। सही बात, सही बात। तो एक हो गया कंटिन्यूस मिलना, उनका काम करना, दूसरा आप तीन चीज बताने वाले थे। एक तो कंटिन्यू मिलते रहना मतलब मैक्सिमम लोगों को, दूसरा जो है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और तीसरा ऐसा है कि एक अगर उनके कोई इसमें हम लोग काम आ पाए, चाहे उसके यहाँ पे शादी ब्याह हो या उसके यहाँ पे दुख सुख हो या उसका कोई बिजनेस का या और किसी चीज का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी हम लोग उसको सपोर्ट कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे है कि जो मेरे पास में आते हैं, सर मेरे बच्चे को आप कुछ बताइए इसके लिए मैं क्या करूँ। अरे आज तो कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को उनके बच्चों की करियर की बहुत चिंता है, अच्छे एजुकेट हुए लेकिन उनको फिर भी जॉब उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो अपन उसको कैसे गाइड कर सकते, ये भी मैं सोचता हूँ। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे भी हमारे मास्टरमाइंड में बोलो, आप लोगों से जुड़े हुए कुछ किताबें पढ़ के बोलो, जो भी नॉलेज मिला है उससे मैं मेरी पूरी ताकत लगा के ये कोशिश करता कि मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अगर सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर वहां से वो परमानेंट अपने से जुड़ गया, बाद में वो टूटता नहीं आखिरी तक, फिर उसका भाई रिलेटिव LIC एजेंट रहो या और कोई उसका नियर का दोस्त रहो, वो अपने साथ में जुड़ने के बाद में दूसरी तरफ LIC के लिए नहीं देखता। नितिन भाई, कोरोना काल में आपको काम करने में क्या दिक्कत आई थी और फिर उसमें से कैसे उभरे थे? सर कोरोना ये हर एक के लाइफ में एक सडनली इंसिडेंस आया हुआ, बोले तो कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा इंसिडेंस है। कहते कोई कोरोना के बारे में, यानी कोरोना में मतलब इतना सब कुछ पूरा दुनिया रुक जाएगा ऐसा सोचना भी कभी कोई सोच नहीं सकता, बराबर है। और मेरे ख्याल से खासकर आप मुंबई वाले तो कभी सोच नहीं सकते क्योंकि 24 घंटे मुंबई चलती है, बराबर है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लग गया और सब पूरा टोटली बंद हो गया, घर के बाहर जाना भी मुश्किल हो रहा था, तो ऐसे इसमें मैं तो दो तीन दिन पहले अच्छा रेस्ट किया, लेकिन बाद में फिर विचार आया कि अभी क्या करने को होना, तो मैंने ऐसी अमोल सर को फोन लगाया था। तो अमोल सर बोले मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा, घर के बाहर निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, और हमारे तो सभी कोर्सेज भी बंद हो गए अभी, तो बोले मैं अभी क्या कर रहा, सब एजेंट से बात कर रहा हूँ। बोला ये बात बहुत अच्छी है, सभी एजेंट से बात कर रहे। तो बोले तू क्या कर रहा? सर मैंने दो तीन दिन से तो रेस्ट किया, लेकिन मैं भी अभी आप जो बोले उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मैंने करीब करीब जो शुरुआत का 3 महीने का लॉकडाउन था उसमें मैंने लगभग 700 लोगों से बात किया सर, और बहुत मजा आया क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने 10 साल से बात नहीं किया था, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनसे 7 साल से या 5 साल से मैंने बात नहीं किया था, उनसे सिर्फ LIC छोड़ के मैंने पूरी बात किया, तो उनके कुछ प्रॉब्लम थे वो फोन पे मैंने सॉल्व किया, और मेरा पूरा टॉक था वो पॉजिटिव था। मैं कोरोना के बारे में भी निगेटिव नहीं बोला कि भाई कोरोना आया है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आया है, तो आप उसको छोड़ दो, बीमारी है ये भी छोड़ दो और इसमें कुछ नहीं होगा, इसका डेथ रेशियो भी बहुत कम है। तो जब वो पॉजिटिव, क्योंकि उस वक्त हर तरफ निगेटिव न्यूज चल रही थी और हम जब पॉजिटिव बात करते तो उसको अच्छा लगता था, वो सामने से डबल फोन करता था। मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट है 700 में से जिन्होंने खुद होकर मेरे को फोन किया, नितिन भाई अभी 1.5 महीना हो गया अभी क्या करेंगे, तो क्यों चिंता करते हो। और दूसरा और एक विषय कि इतने साल से आप पैसा कमा रहे हो और अगर हम 3 महीने अगर बैठ के नहीं खा सकते हैं तो फिर हमारी कमाई भी कुछ काम की नहीं है, इसका मतलब आपका सेविंग प्लानिंग जो है वो सही नहीं है कुछ तो भी। आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, आपने प्रॉपर्टी में डाल के रख दिया, अभी प्रॉपर्टी का क्या, इमीडिएट कोई खरीदने वाला भी नहीं है, तो आपको इंस्टेंट पैसा हो रहा तो आपने क्या किया, कैश लिक्विडिटी पोर्टफोलियो आपका कहाँ है, तो उसको समझ में आया यार ये तो गलत हो रहा अपने साथ में।
देखो हम लोग आते हैं तो आप ये एंगल से देखते हैं कि हम आपको पॉलिसी बेचनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा हमारे तरफ अलग एंगल से सोचे कि नहीं यार ये लिया तो मेरा क्या फायदा, अगर ये सोचे तो भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। सही बात, बेचने आया ये मत सोचो आपका क्या फायदा, उतना भी अगर आपने सोचे तो आपका बहुत अच्छा प्लानिंग हो जाता है। तो मेरे को उस टाइम में करीब करीब 50 से 55 लोगों ने खुद होकर बोला था कि एक बार कोरोना खत्म हो गया कि अपन बैठेंगे फिर से अपन अपनी बात पे चर्चा करेंगे और अपन क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो उसमें से मेरे को अभी कंडीशन ऐसा है कि मेरा 2 MDRT जो है वो 700 कॉल के ऊपर ही हुए वैसे। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। और वो सामने से वो लोगों ने बोला था, जब सामने से कोई बुलाता है ना तो वहां पे 75% सेल हो चुका रहता है, वहां सिर्फ अपने को एक कैलकुलेशन समझाना छोटा सा और विषय क्लोज करना है। सही बात, सही बात। नितिन भाई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि एजुकेशन से दूर रहे वो टाइम पे क्या हुआ? IOE से दूर रहे, कोर्सेज से दूर रहे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो टाइम काम ज्यादा हुआ कम हुआ कि भाई ज्यादा टाइम मिला चलो कोर्सेज नहीं करते, ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर देखो 2003 में मैंने बेसिक कोर्स किया था IOE का, उसके बाद में मैंने आगे कोई कोर्सेज नहीं किए थे। लेकिन वो टाइम में एक समझ में आया था कि इसमें भी अपन बहुत कुछ एक्सलेंट कर सकते करते। वो मेरे को आगे कोई मतलब उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि मुंबई में कोर्सेज चलते करके, लेकिन मैंने नहीं किया था। तो मैं 2015 तक मैंने कोर्सेज नहीं किए थे, तो मैं दिमाग में था कि मैं अच्छा कर सकता। 2007 में मैंने मनी प्लस आया तो MDRT किया, फिर सेकंड ईयर भी MDRT मार्केट प्लस के भरोसे हो गया। लेकिन मैं सोचता था कि आगे मेरा कंटिन्यू MDRT कैसे होगा। एक दो तुक्का लग गया MDRT हो गया ठीक है, लेकिन रेगुलर होने के लिए कुछ तो भी सिस्टम लगेगा। तो मैं बहुत हार्ड वर्क करता था। लेकिन 2015 में जब मैं IOE में आया, एडवांस कोर्स किया और डबल MDRT इजीली हो गया, उसके बाद में 17 में मेरा COT भी हो गया, कपल MDRT भी मैंने किया। तो एजुकेशन से क्या हो गया कि अपन कौन से टेक्निक से काम करने को होना, स्टाफ ने क्या काम करने को होना। आज मेरा 90% काम जो है वो पूरा स्टाफ खत्म कर देता है। मैं हूँ नहीं हूँ तो भी मेरा ऑफिस चालू है, ऑफिस में सारा वर्किंग चल रहा है। वो लोग जो हर जैसा हमारे यहाँ पे जो मैडम है वो कॉलिंग करते हैं, वो हर एक को रिमाइंडर फोन करते हैं, तो उनका टारगेट है डेली मेरा 40 से 45 कॉलिंग होने को होना, वो कंप्लीट करते हैं उनका, वो लिख के रखते हैं पूरा कि मेरा 40 से 45 मेरा कॉलिंग हो गया। उसके बाद में हमारे जो मैनेजर है वो सभी से काम उन्होंने उनका काम है कि पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट करना। और मैंने अभी क्या करा, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया उनका, मैं व्हाट्सएप पे मेरे जो भी क्लाइंट मेरे को फोन करते वो काम डाल देता, वो लोग काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी मेरे को व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग कर देते। मतलब मैं नहीं भी हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या था, वाइफ देखती थी काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मैं डायरी में लिखता था और वाइफ का काम था चेक करना करके, तो उस ढंग से वाइफ पूरा करती थी। अभी मेरे को वो भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे वो आ जाता है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत इजी गोइंग में हो गया, ये सब एजुकेशन से हो रहा है। मतलब कॉर्पोरेट के अंदर जब आया तो समझ में आया कि बैक ऑफिस का बेनिफिट क्या है, स्टाफ का बेनिफिट क्या है, अच्छे स्टाफ का बेनिफिट क्या है। तो आज मैं मेरे भी जो स्टाफ है उनको भी थैंक्स बोलूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा बैक ऑफिस बहुत अच्छे से संभाला और इवन वो लोग भी मेरे लिए नया नया पॉलिसी जनरेट करते रहते हैं, न्यू बिजनेस भी वहां से वो जनरेट करते रहते हैं। अरे वो धीरे धीरे हर एक को, हमारे एक तो जो बाहर पैसे लाने के लिए चेक लाने के लिए जो एम्प्लॉय जाते हैं वो तो बिल्कुल बोलते हैं सर हम आपको इतना सर्विस दे रहे, अदर एजेंट का भी सर्विस दे रहे, मेरे अकाउंट में तो एक आधी पॉलिसी दी, तो उनको भी इंसेंटिव दिया हुआ है मैंने। तो वो लोग बोलते मेरे अकाउंट में तो एक आधी पॉलिसी, वो तो आपको सेट ने दिया था, ऐसा करके भी छोटा मोटा पॉलिसी वो जनरेट करते रहते। फिर वो बोलते एक काम करते रहे सेट को भेज, मैं उसको क्या नया प्लान आया देखता हूँ, वो तेरे अकाउंट में डालने लगा था। तो ठीक है वो उसके अकाउंट में बोले तो आता अपने पास ही बिजनेस है, लेकिन वो पॉलिसी के लिए सामने वाले को मोटिवेट करना सीखते। वो प्लानिंग नहीं दे सकते ये हमको भी मालूम है, लेकिन वो कस्टमर को मोटिवेट कर सकते मेरे लिए, वो काम वो करते हैं। मैं आपको इतना सर्विस दे रहा हूँ ना तो मेरे अकाउंट में मेरे को एक पॉलिसी होना, मेरे को 12 पॉलिसी का टारगेट है या 15 पॉलिसी का टारगेट है, वो उनका टारगेट सामने वाले को बता के क्यों ना वो बोलते एक काम कर सेठ को भेज, लेकिन बोलना कि छोटा प्लान लेके आए तेरे अकाउंट में डालना है, तेरे लिए डाल रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा प्लान लाया तो मैं कुछ देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ। मतलब ऐसा भी धमके देके सामने वाला बोलता है। तो स्टाफ भी अच्छा काम करता है मेरे लिए और आज सही में मेरे को बहुत गर्व है कि वो मेरा स्टाफ मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। नितिन भाई मैंने सवाल क्या पूछा था मालूम है, आप या तो आपके बुलडाला टीम जो एजेंट कंटिन्यूस एजुकेशन से दूर रहा तभी क्या हुआ वो पूछना चाहता। सर कंटिन्यू एजुकेशन से दूर रहने का नुकसान यह है कि 2003 से अगर मैं कंटिन्यू एजुकेशन में रहता तो शायद मेरा COT तब से कंटिन्यू रहता था। हाँ जी, और वो जो मेरा नुकसान हुआ क्या रहता है कि MDRT हुआ उसमें मेरा इनकम अच्छा रहता था, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मेरा इनकम उससे 3 गुना ज्यादा रहता था। हाँ जी, नहीं अभी अभी जो आप कर रहे हो काम तो अभी तो कंटिन्यूस में जुड़े हो, इसमें कभी कभी ऐसा होता है CC अटेंड नहीं किया, कोई कोर्स रिपीट नहीं किया, तभी क्या होता है?
सर ऐसा, मैं तो 99% सीसी पूरा अटेंड करता हूँ, कोई हाँ भी जी, मेरा सीसी का सेशन नहीं जाता है, और अब आदत हो गई है। हाँ जी, 2015 से जब हमने तो अभी चालू किया अभी ना, वो छूट नहीं रही, क्योंकि अभी वो नहीं छूटती, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो आदमी एजुकेशन से दूर गया, सीखना बंद बढ़ना बंद, सीखना बंद कमाना बंद। 100% सर, हाँ तो जी वो सीखना तो कंटिन्यू चालू है। मैं बिल्कुल, कोर्सेज भी अटेंड करता हूँ, सीसी भी अटेंड करता हूँ, और जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप बुक पढ़ो, तो हम लोग बुक भी रीडिंग चालू किए हैं। हमारा एमएम में वो भी होता है कि भाई बिजनेस के अलावा हमारी एक्टिविटी क्या है, वो चीज पे भी हम फोकस करते हैं। अभी तो इसके लिए हम लोग एजुकेशन क्या तो कर रहे हैं, मस्ट नए है। नए 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 कुछ कोर्सेज भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए। अरे मुकेश भाई ने अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लाया है, मैंने नेक्स्ट लेवल पार्ट वन एंड पार्ट टू लाया है, कंसेप्ट मार्केटिंग लाया हुआ है। तो लोग ये सोच रहा भी, मैं नेक्स्ट लेवल में बैठे थे लोग, बोला सर इवन सीओटी से टीओटी करना बहुत आसान है, एमडीआरटी से भी टीओटी करना बहुत आसान है। तो अभी नेक्स्ट लेवल अच्छा मैंने वापस अगले महीने में नेक्स्ट लेवल पार्ट वन रखा है, जिनको भी, क्योंकि देखो इधर तक बढ़े, ऊपर बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टिके रहना और उससे आगे बढ़ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और कुछ आपको बोलना है? अदरवाइज फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। यस सर, पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को इसके लिए चुना और आपने इतने ब्लेसिंग दी है मेरे देखिए, को हमने चुना कि भाई आपने इस। प्रोग्रेस किया, आपने काम किया, आपने लोगों का भला किया है। और सर ये सही में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसमें हम लोग, सबसे मेन चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज नए नए लोगों को मिलता हूँ, सही बात, सही बिजनेस बात, के माध्यम से मिलता हूँ, सोशल माध्यम से मिलता हूँ, तो लोगों से मिलने में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता। सही बात, और सही फिर बात, धीरे धीरे ये प्रोफेशन के जैसा प्रोफेशन दुनिया में नहीं है बोले तो भी चलेगा सर, सही हम कहीं बात, पे भी रहो हमारा बिजनेस चालू है, तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसके अंदर हम बहुत ईमानदारी से और लगन से काम करें तो हम किधर के किधर निकल सकते। मजा तो क्या दिन दिन भाई, डॉक्टर भी मेरा पहचान में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पहचान में है, एडवोकेट पहचान में है, पुलिस वाला पहचान में है, आप दुनिया का कोई आदमी बोलो सब मेरे पहचान में है, वो एक सिर्फ LIC एजेंसी के प्रोफेशन में, और कहीं बिल्कुल नहीं। मतलब और कोई नहीं। सब मेरे पहचान वाले, मेरा ऐसे ही हो रहा, कुछ भी काम है ना, मेरे क्लाइंट लोग मुझे फोन करते, पर कोई ये कौन, मतलब आपका काम हो जाए। बीच में ऐसा हुआ था, मेरा एक चाचा का लड़का घर छोड़ के चला गया था, मालूम था किसी दोस्त के साथ गया है, और उनको इतना अंधा था काश्मीर चला गया बरसों पहले, तो वो लोग ढूंढ रहे थे, हफ्ते से मिल नहीं रहा था। मुझे लगा यार चाचा का लड़के का लड़का अपने को भी जाना चाहिए, नहीं तो सोचेंगे क्या यार। मैं बिजी था कोर्सेस वगैरह में, तो जो दिन टाइम मिला मैं पहुंच गया। मैंने बोला कहाँ गए, क्या गए, बोला काश्मीर गए। मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया जो पुलिस डिपार्टमेंट में, मतलब यार काश्मीर में आदमी गया है, बोला वो लड़के का गाँव कौन सा है पता है? वो लड़के का गाँव पूछा, आप मानोगे आधे घंटे बाद मैं वहां बैठा था, उसका फोन आया कि हमारा पुलिस वाला उसके घर पे जाके आया, वो लड़का भी उधर है और आपका लड़का भी उधर है। लोग सरप्राइज होने लगे, यार कहाँ कहाँ पहचान, कहाँ काश्मीर, कहाँ क्या, लोग इतने खुश हो गए। तो ये एक ही प्रोफेशन में पॉसिबल है, इसके लिए बोलते हैं नोबल एंड बेस्ट, वी आर इन द यस सर, बेस्ट एंड नोबलेस्ट प्रोफेशन। लोगों की भलाई भी है, दुआई भी है, कमाई भी है, इसके जैसा कोई सही बात, प्रोफेशन 100% सर, नहीं। ग्रेट नितिन भाई, बहुत अच्छा लगा। भगवान, मैं आप भगवान को प्रार्थना करता हूँ, आपका जो डबल टीओटी का टारगेट है आसानी से जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और अगले साल डबल टीओटी का टारगेट आप ले, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करो। पूरी बुल्ढाणा टीम, आपके गौली साहब, आपके स्टाफ सभी को मेरी ओर से खूब खूब बधाई हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक थैंक यू सर। यू।